हेलो हेलो गाइस, स्पॉइल दिस साइड, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ द लास्ट गार्डियन। भाई तुम मानोगे नहीं, तबीयत ख़राब है। पता नहीं साला, सुबह से नाक से खून निकल रहा है। ठीक है, वो ऑब्वियसली कोल्ड में होता है, अब सुबह से ही निकल रहा है। और मैं ना बाइक से तेल निकालने के लिए एक पाइप आता है, ट्रांसपेरेंट पाइप आता है, 10 रुपये मीटर का मिला था मेरे को, तो मैं 2 मीटर लेके आया था। उस साला पाइप नहीं मिल रहा है सुबह से, भाई कहाँ चला गया। एंड वन फैक्ट इज, मुझे उस पाइप की ज़रूरत भी नहीं है, मैं उसको ढूंढ इसी ले रहा हूँ क्योंकि वो खो गया है, मुझे मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ रख दिया है। और एक तो उस साला पाइप ट्रांसपेरेंट है, मिल नहीं रहा है। बट एनी वेज गाइज, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं द लास्ट गार्डियन। एंड इसमें एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक ब्लड हंग्री बीस्ट या फिर सॉरी मैन ईटिंग बीस्ट मिला है, जो उसको नहीं खा रहा है, जो उसका एक समहाउ दोस्त बन गया है, क्योंकि उसने उसके बॉडी से शैकल्स और स्पीयर्स निकाले एंड उसको आज़ाद कर दिया और उसको खाना भी दिया। गाइस लेट्स कंटिन्यू द वीडियो, लेट्स कंटिन्यू द गेम। प्लीज़ भाई अब नहीं, अब मुझे ये पूरा नहीं देखना है। आई नीड टू वॉच दिस पूरा अगैन। अच्छा, ओके ओके, शायद ये लोडिंग स्क्रीन है इस गेम की। ये लोडिंग स्क्रीन है इस गेम की। जब फर्स्ट टाइम मैंने ये गेम ओपन किया था तब पूरा आया था ये, लाइक कहाँ से क्या है करके। तो लास्ट टाइम हम लोग यहाँ पहुँचे थे इसकी बैक पर चढ़ के, अब हमको शायद आगे जाना है। Let's go. चलो चलते हैं यहाँ से। इसकी जो पीछे है वो एक शील्ड टाइप है, शील्ड नहीं है सॉरी, वो एक लाइट टाइप है, जहाँ पे अगर लाइट करते हैं तो फिर ये बीस्ट वहाँ पे अपनी सुपर नेचुरल पावर से एक थंडर बोल्ट मारता है। इनिशियली मुझे वो जो गेम खेलना था वो था शैडो ऑफ द कलोसस, बट उसकी जगह मैंने ही ये कर दिया डाउनलोड, क्योंकि काफ़ी सिमिलर लग रहा था, मतलब सिमिलर नहीं लग रहा था बट मुझे लगा कि शायद सेम हो। तो हम लोग इसको बुला सकते हैं। अच्छा आ गया। नो स्टॉप फॉलोइंग। अच्छा उसको गो होम, घर जाने को बोल रहा है ये, पर वो भाई पीछे आएगा हमारे, भाग के चला गया आगे। बहुत टाइम के बाद शायद वो ओपन में आया होगा ये 20। वाओ ब्यूटीफुल गेम, नो डाउट देयर, बहुत सुंदर गेम है ये। अभी तक मेरे को पता नहीं है ये गेम है किस चीज़ के बारे में, बट जितना समझ में आया है उसमें इतना ही है कि एक लड़का जिसको शायद बैनिश कर दिया था, उसको एक बीस्ट के सामने उसको खाने एज ए फूड डाल दिया था, बट बीस्ट ने उसे खाया नहीं या पता नहीं जो भी हुआ। दिस इज़ द स्टोरी जो मुझे लग रही है हो सकती है। ओ You can't fly. Are your wings broken? तो इसके शायद wings broken है, इसके wings अभी शायद निकले नहीं ढंग से, क्योंकि I would not realize until much later, but I was now in the heart of beast's lair, the nest. अच्छा तो ये beast की कोई lair है, मतलब nest type. अरे ना, चलो let's go. बीस्ट बाबू साथ में आ रहा है मेरे। अच्छा नहीं, शायद वो जंप करेगा। लेट गो। लेट्स गो, इजी पीजी।
इससे पिछला गेम जो था अनचार्टेड ड्रेक्स फॉर्च्यून, वो भी ऐसा ही कुछ गेम था, पार्कोर, पर उसमें गन्स वगैरह भी थी। मुझे हमेशा ना पार्कोर और थोड़ा लाइक पजल गेम खेलना मुझे काफ़ी शांत लगा है, लाइक बहुत ज़्यादा पीसफुल। एंड हाँ, मुझे अच्छा लगता है खेलना, दैट इज़ आई गेस वन ऑफ द रीजन्स मैंने ये गेम चालू करा है, क्योंकि मैंने इसका थोड़ा बहुत ट्रेलर टाइप देखा तो मुझे अच्छा लगा, फिर तो मैंने कहा कि यार खेलते हैं करके यही गेम। ओह नहीं नहीं गिरना नहीं, क्योंकि लास्ट वीडियो में यही हुआ था, इसकी हम लोगों को पावर यूज़ करनी होती है, जहाँ पे भी हम लोग जो है लाइट वो शाइन करेंगे वहाँ पे वो अपनी पावर अपनी लाइक डिवाइन लाइटनिंग मारता है। अब डिवाइन है कि नहीं वो लाइटनिंग मुझे उसका पता नहीं इतना। लेट्स गो, छोटा बच्चा भाई भागने है बहुत तेज़ है। इसमें ना जहाँ तक मैंने ये गेम खेल लिया, आई गेस हाफ एन आवर में हूँ गेम के अंदर, इसमें फालतू का कुछ भी नहीं है, ठीक है, फालतू के लिए पजल्स नहीं है अभी तक तो, नहीं है, इन फ्यूचर आएंगे कि नहीं आएंगे वो मेरे को पता नहीं है, अभी तक इसमें कोई फालतू के पजल नहीं है जो ज़बरदस्ती तुम्हें लाइक है कि अटका के रखेंगे। एंड दैट इज़ वन थिंग आई लाइक, स्ट्रेट फॉरवर्ड दो, दैट इज़ बेटर, अगर पहेलियाँ ही बुझानी होती तो कुछ और ही कर लेता। पजल सॉल्व करने में मज़ा आता, मुझे पजल फाइंड करने में अच्छा नहीं लगता, लाइक पजल तुम्हारे सामने होता है पर तुम उसे सॉल्व करते हो, ठीक है, मिस्ट्रीज होती है तो तुम्हें ढूंढनी पड़ती हैं, पर कुछ गेम्स में ये दोनों साथ में लाइक मिला देते हैं तो बहुत पर मुझे अच्छा नहीं लगता, फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा वहाँ पे आ गया, चलो भाई लेट्स गो। ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं इस गेम के साइज़ के हिसाब से। ओके, तो ये दरवाज़ा तोड़ा था हमने, हम लोग वहां से आए हैं। तो कुछ नहीं कर रहा, वेल फिर यहाँ नहीं जाना होगा। यहाँ कुछ चमक रहा है, Mm-hmm.
नाइस, वही ले। आई गेस इससे शायद हमारी फैमिलैरिटी बढ़ेगी इस बीस्ट के साथ। खाना खा गया, नाइस। यहाँ से कहाँ को जाना है? यहाँ से शायद कूदेगा ये आगे, आ रहा है क्या पीछे? वेल ही इज कमिंग बिहाइंड अस। चढ़ जाऊँ उसके ऊपर मैं? चलो चलो भाई, आई डोंट नो, यहाँ से जा नहीं रहा। यहाँ पे जाना है भी कि नहीं जाना? गिव मी सम हिंट ब्रदर। ये ऊपर कुछ झूल रहा है, इसे जानते पहले। क्या करना है अब? तो भाई क्या पता यहाँ पे जाना ही ना हो, हु नोस। हेलो, लेट्स गो। बड़ी बड़ी जंप्स, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जंप्स, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी जंप्स। एक सेकेंड, ये बालकनी है, यहाँ टूट रखा है। ट्रियो भाई जल्दी आया यहाँ पे, जा चढ़ने दे ऊपर एक बार। इसके लिए फेदर्स को वो होता नहीं होगा जब मैं चढ़ता हूँ ऐसे ऐसे ऊपर? यहाँ चल भाई, यहाँ चल, यहाँ ले चल भाई, यहाँ ले चल। हाँ भाई आ सकते हैं। हाँ ये सही है। ये बिल्कुल यहाँ चिपक रखा है। अबे लेट्स गो, मिल गया रास्ता। यहाँ पे शायद एक खाने की है,
हाँ लग ही रहा मुझे, मेरे को लग ही रहा था, क्यों? क्योंकि चमक गया था ऊपर से। ले भाई खा ले। ले भैया लेट गो, इधर आ, चढ़ने दे मेरे को ऊपर। यहाँ पे क्या है फ्री है जाने के लिए? लेट्स गो। थैंक यू। ओह ये हो सकता है कुछ तगड़ा। हाँ चलो फाइनली हम लोग निकले उस जगह से बाहर। और आगे जाना है शायद। यहाँ पे कुछ जाने लायक तो है नहीं, मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया? अच्छा नहीं, मैं उल्टा आ गया शायद, मैं उल्टा आ गया। मैं यहाँ से ऊपर चढ़ा था ना। हाँ मुझे यहाँ पे जाना है। लेट्स गो। फाइनली रास्ता मिला बाहर जाने का थोड़ा। एंड देन दिस इज अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट प्लेस। अच्छा आ गया। ये ले भाई मार इस पे अपनी बिजली। बिजली मारने से पहले यहाँ पे कुछ है, ये देखते हैं। ग्रिप, अच्छा नहीं ग्रिप करना ना। ले भैया ओम भोम। ये ले तेरी ब्रेड। खा लिया उसने, उसको हम लोग खिलाते रह रहे हैं चलते चलते ताकि साथ में रहे। ओके सीक्रेट चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स। नाइस इंडीड, दिस वाज अ चेम्बर ऑफ सीक्रेट्स। रास्ता बन रखा है पर रास्ता जा कहाँ रहा है? काफी हम लोग ओपन में आ गए हैं। आई थिंक दिस इज गुड। गुड है या बैड है वो पता नहीं मेरे को। हाँ हम लोग काफी ओपन एरिया में आ चुके हैं। यहाँ तो नहीं जाना कहीं? आई देखो जाना कहीं भी हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि अगेन काफी ओपन एरिया है। चबोरी बिल्ली हमारी, मतलब दोस्त हमारा। नाइस दिस इज गुड, दिस इज गुड। हम लोग एटलीस्ट यहाँ तो आए।
क्या पता इस माउंटेन के ऊपर चढ़ना हो, हु नोज। शायद चढ़ना हो, क्या पता ऐसा कि चढ़ने का रास्ता वास्ता भी होगा, अगर चढ़ना होगा तो। मुझे अभी बहुत ज़्यादा अच्छी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि मुझे यहाँ कूदना है। स्ट्रांग फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी और इतनी स्ट्रांग फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो मुझे वो सारा का सारा स्क्रीन क्लियर करनी पड़ती है। तो गाइस 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 सुनिए, मेरी ना थोड़ी जो है तबीयत ख़राब चल रही है, इस चक्कर में जो है मैं थोड़ी छोटी वीडियोस कर रहा हूँ अपलोड। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मैं जल्दी लाइक बहुत जल्दी जल्दी लेके आऊँगा वीडियोस, जो थोड़ी लॉन्ग वीडियोस होंगी। इस वाली वीडियो को करते गाइस यहीं पे एंड, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया क्योंकि तबीयत ख़राब है, मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं लाइव स्ट्रीम भी नहीं कर पा रहा हूँ इस चक्कर में अच्छे से टाइम पे। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय टिल द नेक्स्ट वन।